अक्टूबर के अवसर पर रायबरेली के ऊंचाहार में खूब चला झाड़ू। रायबरेली जिले के ऊंचाहार उपजिलाधिकारी श्री राजेश कुमार त्रिपाठी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभिलाष चंद्र कौशल तथा मंडल अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने सरकार की मंशा के अनुरूप ऊंचाहार में 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया। ऊंचाहार के रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उपजिलाधिकारी राजेश त्रिपाठी ने झाड़ू लगाकर जनता को स्वच्छता के बारे में संदेश दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यह सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत ही अच्छी योजना है, इसकी सराहना के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इससे हमारे जीवन के समस्त कचरे साफ होंगे और शुद्ध हवा, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। हमारा जीवन निरोग होगा, जो हमारे जीवन के लिए अहम है। उसके बाद उपजिलाधिकारी ऊंचाहार एवं भाजपा कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहनिया में पहुंचकर डॉ राम बहादुर यादव अधीक्षक ऊंचाहार की उपस्थिति में झाड़ू लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाया तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति संदेश दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार तिवारी तथा अभिलाष चंद्र कौशल एवं जिलाधिकारी ऊंचाहार की अहम भूमिका रही। इस कार्यक्रम में उपस्थित आरबी सिंह, कौशलेंद्र सिंह विधानसभा प्रभारी, बुद्धि लाल पासी जिला उपाध्यक्ष, किरण गुप्ता, राजू यादव मंडल अध्यक्ष ओबीसी रोहनिया, दिलीप मौर्य, अभिजीत सिंह, अरविंद सिंह शर्मा, प्रदीप तिवारी, प्रकाश साहू, दिलीप कौशल, मनोज कुमार मौर्य, जुबैर खान, प्रशांत विरोधी विस्तारक, ज्ञानेन्द्र यादव, राम शंकर मौर्य, आर डी सिंह, आर टी एफ इंस्पेक्टर ऊंचाहार एस पी एन सिंह, सीमेवा लाल, डॉ राम बहादुर यादव अधीक्षक, जितेंद्र सिंह, राकेश मौर्य, धीरेन्द्र तिवारी, सुनील पांडे, डॉक्टर कलाधर द्विवेदी, मनमोहन सिंह, हीरा लाल मौर्य, प्रधान संघ अध्यक्ष अमरजीत मौर्य, श्री रामपाल, लालजी शुक्ला आदि सैकड़ों से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे। रायबरेली ऊंचाहार से लालजी शुक्ला की अपने देश और प्रदेश को दिखा सके जो है, उनमें रेलवे स्टेशन सबसे प्रमुख है। यहाँ से आज गांधी जयंती के अवसर पर ये शुरुआत की गई है। इसके बाद हम लोग हरवनिया सीएससी और बारी बारी से सारे स्थान लिए जाएंगे जी। इसकी जो है, इसका असर समाज में कितना पड़ेगा?